हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मैंगो कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग है। समर्स में आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसको आप बहुत इजीली लेस इंग्रेडिएंट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करके देखें एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के भी प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये पका हुआ आम लिया है, इसको इस तरीके से पील कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पील करके इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। एंड ब्लेंड होने के लिए मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडिंग जार में। देखिए, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एंड इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। एक आम को मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। इसको जब शरबत बनाएंगे उस टाइम पे यूज़ करेंगे। थोड़े से मैंने ये चिया सीड लिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना इसमें मिल्क ऐड करेंगे और अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरीके से लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। 1 ग्लास मैं ये मिल्क ले रही हूँ और मिल्क को इस तरीके से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको इस तरीके से चलाते रहना है, गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक ये बॉयल नहीं होता है। इसी तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए इसको। ये मैं यहाँ पे 1 बाउल शुगर ले रही हूँ, ग्राम्स में 200 ग्राम्स हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से बॉयल होने लगा है। तरीके से चलाते रहेंगे। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम करके तब जो कस्टर्ड का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उस टाइम पे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है इसको। उसके बाद में जो मैंगो का पल्प था, जो पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको भी। इस तरीके से देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे इसको बॉयल होने तक। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, अच्छे से पक चुका है ये। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है अभी और इसको ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद में ये जो चिया सीड सोक करके रखे थे वो डालेंगे बाउल में। एंड जो कस्टर्ड मैंगो का पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड करेंगे इसमें। तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, नीचे से चिया सीड को। ये थोड़े से आइस क्यूब्स हैं ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम चिल हो जाएगा। एंड जो मैंगो कट करके रखा था पीसेस में उसको ऐड कर दिया है मैंने। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। एंड लीजिए, आपका रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार है। बहुत जल्दी बन जाता है एंड डिलीशियस बहुत ज़्यादा है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। कोई भी आ जाता है, बहुत जल्दी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश करके सर्व कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।